अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडी और लेटेस्ट सा बोट नेक डिज़ाइन। ये राउंड शेप नेक डिज़ाइन है जिसमें हमने स्ट्रिप के साथ पाइपिंग अटैच की और उसके बाद इसका जिगजैग बनाया है। ये डिज़ाइनर ड्रेस है और डिज़ाइनर जो ड्रेस ब्लाउज़ पे भी आप बना सकते हैं और फ्रॉक के अलावा शर्ट्स की डिज़ाइनिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। स्लीव्स पे भी ये डिज़ाइनिंग आप बना सकते हैं। इसके साथ आप पाइंचे पे भी ये डिज़ाइनिंग ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे तुरपाई और ये इसका बैक साइड है। आप देख सकते हैं किस तरह से नीडल की मदद से हमने टांके लगाए, इसको अटैच किया है और आप इसकी अच्छी तरह से देख लें। क्लोज मैंने आपको इसकी लुक दिखा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके स्लीव्स डिज़ाइन भी मैं आपको वीडियो के एंड पे डिटेल से बताऊंगी। अब हम चलते हैं इस जिगजैग को बनाने के तरीके पे। ये बहुत ही इजी है और सबसे पहले हमने लेनी है एक स्ट्रिप पेस्टिंग पेपर। पेस्टिंग पेपर की स्ट्रिप बना के हमने उसको कपड़े पे अटैच करना है और उसके बोथ साइड्स पे पाइपिंग यूज़ कर लेनी है। पाइपिंग लगाने के बाद हमने इसको मोड़ना है लाइक जिगजैग और साथ हमने इसको सुई की मदद से यहाँ पे टांके लगा लेने हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जिगजैग तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, ये जिगजैग बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी डिज़ाइनिंग आजकल बहुत इन है, टेलर स्टाइल की ये डिज़ाइनिंग है। आप इसको पाइंजो में बना सकते हैं, बैक नेक डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइन, इसके अलावा स्लीव्स के पे भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। किसी भी कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिल्क या शमोज के फैब्रिक पे बनाए तो उस पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है, बीच ट्री की शर्ट है और उस पर ये डिज़ाइनिंग की है। आप चाहें तो रेशमी कपड़ों पे भी कर सकते हैं। तो ये जिगजैग हमारा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हमने टांके लगाने हैं। टांकों के तरीकों को आप नोट कर लें कि कहाँ पे किस तरह से हमने कितने टांके लगाने हैं जिससे इजीली अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये राउंड नेक हमने डिज़ाइन तैयार करने के लिए राउंड शेप में बोट नेक पेस्टिंग पेपर की मदद से बनाया, उसको कपड़े के साथ अटैच किया और उसके साथ हमने टांकों की मदद से ये स्ट्रिप जो जिगजैग वाली स्ट्रिप है इसको भी अटैच कर दिया है। अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं और इसके बाद ये जो हमारे पास एक स्ट्रिप है बारीक सी, उससे हमने राउंड शेप में नेक डिज़ाइन तैयार किया है। ये वाली शेप बनाने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे ये मैंने फुल मेथड आपके साथ शेयर किया है। वहाँ से आप इजीली इस तरह की स्ट्रिप बना सकते हैं नेक पे लगाने के लिए। और यहाँ पे ये देखें, ये फुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत कम टाइम में और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार हो जाता है। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और गेंजा या टिश्यू का फैब्रिक लेके ये मैंने इसके स्लीव्स पे अटैच किया, उसके बाद कटवर्क या हम जिसे समोसा कह सकते हैं ट्रायंगल, इसको अटैच कर दिया है। सिंपल सी डिज़ाइनिंग, लॉन के ड्रेसेस पे इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी लगती है। और दामन पे आप देख लें किस तरह से ये पाइपिंग अटैच की है और स्लीव्स हमारे सादा भी हैं और इस पर डिज़ाइनिंग भी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, किसी भी कलर का टिश्यू लेके आप उसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये हमारा नेक डिज़ाइन है,
और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जब आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा।